सीन बड़ा ज़बरदस्त मेरा फेवरेट है कि हम सीन जो है बड़ा सेंसिटिव भी है। इसमें आपने ये देखना है कि हमने इसको जो स्टार्ट करना है ना, वो ये बिल्कुल डेड स्ट्रेट नहीं, थोड़ा सा टिल्टेड होके हमने एक छोटा सा कट लगाना है, ये करके बिल्कुल, क्योंकि इसी का फिर हमने प्याला बनाना है। ये बिल्कुल छोटा सा कुर्सी पे स्टार्ट करते हैं इसको। कलम मैंने दूसरा ले लिया, ये देखिए ये, ये एक कथ है, ये इसका दूसरा पार्ट है, और ये हमारा दो कथ का था। अच्छा, ये थोड़ा सा सेंसिटिव पार्ट है, यहाँ से हम यूं जाएंगे, हमने ये देखना है, एक तो हमने ये देखना है कि ये थोड़ा सा स्लांटेड में जाएगा, दूसरी बात ये है कि ये वाला जो पोर्शन है हमारा, वो उसी तरह जिस तरह बे का पहला वाला पार्ट था वो उसी तरह स्टार्ट होगा। यहाँ से फिर हम इसको ड्रैग करेंगे तकरीबन यहाँ तक, और ये हल्का सा गोल होता हुआ जाएगा। अमूमी तौर पे हम इसको एक कत नीचे ख़त्म कर देते हैं जी सीन को। इसका जो दायरा है वो 5 कत का है, बड़ा यूनिवर्सल दायरा है, और यहाँ पे इसकी झुकाव जो है वो 2 कत है। ठीक है जी, ये हमारा सीन है खत सुलस का। और एक सीन और भी है जिसको हम थोड़ा सा उसका मतलब कि बाकी पार्ट उसका सेम है, जिस तरह ये उसका प्याला है ऊपर वाला पहला कत, ये हमारा 1 कत का है, उसके बाद ये हमारा 1.5 कत का भी होता है और 1 कत का भी, यानी कि हम इसको, और उसके बाद यहाँ से फिर हम इसको जिस तरह हमने वो बे का किया था, और इसका यहाँ भी हम ये कर लेते हैं, और इसकी फिलिंग जो है वो हम उसी तरह ही करेंगे। ये हमारा सीन है। ठीक है जी, एक जो लंबी सीन होती है उसको हम जब हमने बड़ी स्ट्रोक डालनी है तो हम देखते हैं कि इंक हमारी कहाँ तक आती है, जहाँ तक इंक आ रही है वहाँ से थोड़ा सा पीछे से लेके इसको ये इस तरह हमने इसको लेके आना है, और ये आप 13 कत 9 कत जितना भी आप इसको ड्रैग करना चाहें आप कर सकते हैं। यहाँ से फिर वही उसी तरह हमने, और आप ये देख रहे होंगे कि मैं जब कलम लगाता हूँ उसके बाद जब हम नीचे आते हैं तो थोड़ा सा हल्का सा झटका दे देते हैं उसको, और उसकी थोड़ी सी हम सेटिंग कर लेते हैं ताकि उसका कोना जो है वो प्रॉपर बन जाए, और उसके बाद फिर 5 कत का, और ये हमारा जैसी। अच्छा, इसका वो
जिस तरह हमने बे को लगाया था। ये ठीक है जी, सीन हो गया।